सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम से फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल मेक मनी गुरु पर। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, प्लस हम कॉइन मार्केट कैप का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, अल्टकॉइन के देखेंगे, बिटकॉइन ETH, ये चार से पांच करेंसी का हम टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले हैं। और एक मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई थर्ड पार्टी की ओर से कोई कॉन्टैक्ट या मेल आ रहा है जो कि आपको ये बता रहा है कि वो आदिल खान है, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मेरा जो पर्सनल मेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलमोस्ट अवेलेबल है जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ एक ही है, 8483952358। इसके अलावा मैं कोई अदर नंबर यूज नहीं करता, अगर आपको कोई अदर नंबर से कॉन्टैक्ट या मेल्स आ रहा है तो उसके लिए मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आपको मैं हजारों बार मेरे पहले के टेक्निकल के वीडियोज में भी कई बार मैंने बता चुका आप सभी को कि मेरा सिर्फ यही कॉन्टैक्ट डिटेल है, अलावा मेरे को कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है। और सबसे पहले चीज, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पर्सनली सामने से मैसेज करूं, तो इस चीज को आप समझ सकते हो, जो कि आपको क्योंकि मुझे ऐसा कुछ पता चले कोई लोग किसी को स्कैम कर रहे हैं मेरे नाम लेकर, तो इसलिए मैं सोचा कि एक बार अपनी ओर से मैं पूरा क्लियर कट बता दूं कि मेरा कॉन्टैक्ट मेरा ईमेल ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपको कहीं और से आ रहा है तो उसके लिए मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। और खैर आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले, डीपली डिस्कशन करेंगे अबाउट द गोल्ड टेक्निकल एनालिसिस जो कि फॉरेक्स के लिए होगा और अदर टेक्निकल पार्ट्स के लिए। और मैं टेक्निकल एनालिसिस का पर्सनल कोचिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो कोई लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 1-to-1 रहेगा, कोई रिकॉर्डेड वीडियो शो नहीं करूँगा, कोई रिकॉर्डेड वीडियो सेंड नहीं करूँगा, 1-to-1 सेशन रहेगा स्काइप के ऊपर। और जो भी डिटेल चाहिए आपको, क्या फीस रहेगा, कहाँ तक रहेगा, तो मुझे पर्सनली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी जो जो लोगों को ये सोच रहे हैं कि फिर जो प्लेलिस्ट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस वो क्या है, तो 110% वो जो टेक्निकल एनालिसिस है मैं वही टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूँ, कोई हिडन उसमें नहीं है, सब कुछ मैं आपको प्लेलिस्ट के अंदर जो अवेलेबल है सब कुछ आपको टोटली बता चुका हूँ। तो जो लोग वो सीख कर अगर समझ रहे हैं तो वेल डन, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर आपसे हम 1-to-1 सीखना चाह रहे, तो उसके लिए मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। बाकी उसमें और मेरे सिखाने में कोई चेंजेस नहीं है, जो प्लेलिस्ट के अंदर है जो वीडियोस में अपलोड किया वो भी वही है जो मैं अभी पर्सनल 1-to-1 में सिखाने वाला हूँ, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जिसको सीखना है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते, जिसके पास पैसे नहीं, जो नहीं सीखना चाह रहे, तो प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है, उससे आप सीख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी वो 110% पूरा का पूरा कोर्स अपडेट है, तो उसको भी आप सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो, और जो भी आपको चीज़ जानना है तो मुझे पर्सनली मेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। खैर सबसे पहले अभी हम जो टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं वो हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे गोल्ड का, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस जाएंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम गोल्ड 1 डे के या 1 वीक के हिसाब से अगर थोड़ा एनालिसिस करें, क्योंकि 1 वीक के हिसाब से मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी अच्छे समझ में आते हैं और काफ़ी क्लियर कट हमको दिखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम 1 वीक के हिसाब से यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात किया जाए, तो ऑलमोस्ट मार्केट इस लेवल यानी $1179 से उठकर मार्केट हाई गया था, रिवर्सल चेंज किया था। करंटली मार्केट रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो मेरा अगर आपको लास्ट वीडियो भी याद है $1308 का, तो $1308 पे अभी भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हम वीकली कैंडल देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर एक तो यहाँ पर रिजेक्टेड पिन बार जो कि बुलिश बना था, सेकंड यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना जो कि इन इतना खास हमको कंफर्मेशन नहीं इधर कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या लेने वाला है, बट उसके बाद क्या करंट जो वीक का कैंडल बना है अभी तो वो ऑलमोस्ट बुलिश कैंडल है, बट अभी वो काफी अभी स्टार्टिंग में बना, तो मार्केट बेयरिश भी हो सकता है क्योंकि पूरा वीक का कैंडल है, तो उसमें कंफर्मेशन लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट अगर हम इसी चीज को डेली में एनालिसिस किया जाए तो डेली के अंदर यहां पर हमको स्मॉल सा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है, अभी बना नहीं है, इन पोजीशन बनने के अंदर है या बन सकता है। उसके अलावा अगर हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट जो प्रीवियस हमारा लेवल्स यहां पर जो बने हुए, तो मार्केट ऑलमोस्ट उस लेवल को टेस्ट किया है, उसको रिजेक्शन कर रहा है, उसके ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है, तो $1294 के अबव क्लोजिंग होना चाहिए मार्केट का, तो मार्केट हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि मार्केट $1308 पर इजीली हिट हो जाएगा। मे बी मार्केट जब भी एक्यूमुलेशन जोन या जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल अभी बना नहीं, जो बंद रहा है, अगर ये प्रॉपर तरीके से डाउन या अप में ब्रेकआउट होता है, तो उस टाइम आप उस पर ट्रेड ले सकते हो और अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। करंटली अगर मैं बोलूँ तो अभी हमको कोई ट्रेड लेना, क्योंकि मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में है, कहाँ पर ब्रेकआउट होगा अभी कन्फर्म नहीं है, तो जब वो कन्फर्म हो जाएगा तभी उसमें हम ट्रेड लेने वाले। तो गोल्ड का ये डेली और वीकली एनालिसिस है, डेली में भी आपको बता चुका हूँ और वीकली के अंदर वो रेजिस्टेंस लेवल ये $1294 का ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हम उसको कंफर्मेशन में ले सकते हैं, तभी हम उसके अंदर कुछ ना कुछ डिसीजन देखेंगे। अदर करेंसी के अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं है, अगर अदर पेयर्स के अंदर, तो उसके अंदर मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी हम डायरेक्टली मूव करते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर, इसके लिए आप सभी वेट कर रहे हो। यहाँ पर पहले मार्केट कैप का टेक्निकल एनालिसिस हम कर लेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो का अगर आपको याद है तो वेश पैटर्न के अंदर ही मार्केट अभी बना हुआ है, लगभग उसी बात से मार्केट अच्छा खासा क्रैश हुआ, अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो आपको आइडिया आ चुका होगा। करंटली मार्केट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट लेवल पर होल्डिंग ले रहा है, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल कम है, काफ़ी कम है। ऑब्वियसली बात है यार, मंडे है, स्टार्टिंग है, वीक का पहला दिन है अभी, तो कुछ ना कुछ हमको उसमें मूवमेंट देखने को मे भी मिलेगा अभी आने वाले टाइम पीरियड के अंदर, लेकिन
जो भी मूवमेंट अभी तक यहाँ पर दिख रहा है, कोई बुलिश मूवमेंट यहाँ पर मुझे नहीं इंडिकेटर बेस के ऊपर, नहीं टेक्निकल एनालिसिस। हाँ, अगर मैं 4 घंटे के हिसाब से चार्ट देखूँ तो जो पैटर्न यहाँ पर बना था, अगर मैं जो बताता हूँ आपको, मैं 4 घंटे के हिसाब से यहाँ पर जो राइजिंग वेज आप बोल सकते हो उसको, जो यहाँ पर बना था जो कि ब्रेकआउट हुआ है, तो वो हिसाब से टारगेट ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 4 घंटे के हिसाब से जो मूवमेंट था उसके अंदर, तो वो ऑलमोस्ट हिट हो चुकी है। जो टारगेट यहाँ पर जो वो हिट हो चुका है, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आ गया। तो फिलहाल यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट का सपोर्ट लेवल है करंटली, मार्केट जिसको अपसाइड से टेस्ट किया। मार्केट अगर डाउन आना चाहिए तो इसके तक ये लेवल तक ऑलमोस्ट डाउन आ सकता है, बट अभी तक बुलिश रिवर्सल कंफर्मेशन क्रिप्टो में नहीं हुआ है। तो जो लोग ट्रेड लेने का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग सोच रहे हैं अभी से, मतलब करंट प्राइस में परचेस करने के लिए, तो मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। थोड़ा वेट करो, क्योंकि डेली के हिसाब से तो कुछ प्रॉपर कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ कि हाँ मार्केट बुलिश हुआ है अभी तक यहाँ से। या वीकली अगर कैंडल हम देख ले तो वीकली के हिसाब से मेरे हिसाब से मार्केट को डाउन और भी और आना है। तो क्योंकि जो हमारा राइजिंग फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर बना था, उसका लेवल नीचे है अभी, तो उस तक मार्केट को आना है, तो उसके बाद हम उसमें कंफर्मेशन ले सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर हम जो एनालिसिस करने वाले हैं अल्टकॉइन का, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, टोटल अल्टकॉइन में क्या मूवमेंट देखने को मिलता है। सेम जो मूवमेंट हमको भी फिलहाल देखने को मिल रहा है, जो हम पोजीशन का वेट करें डाउनवर्ड में, तो मार्केट वहाँ तक डाउन ले सकता है। यानी तो अगर ये करंट कैंडल काफ़ी बड़े वॉल्यूम से बुलिश बनता है, तो मार्केट जो हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न था उसको ब्रेकआउट करेगा। तो उसको ब्रेकआउट कर सिंपल चीज, अगर वो मार्केट लेवल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट आने वाले टाइम के अंदर आपको बुलिश दिख सकता है। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, वीकली कैंडल है, टाइम ले सकता है। सेकंड, अगर हम एनालिसिस करें तो बीटीसी यूएसडी का, यूएसडीटी का एनालिसिस करेंगे। सॉरी, मैं यहाँ पर बिटरेक्स के ऊपर एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि बिटरेक्स के ऊपर काफ़ी दिनों से बिटकॉइन अवेलेबल है, तो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। सेम वही चीज़ जो टोटल मार्केट कैप का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वही चीज़ हमको बिटकॉइन के अंदर फॉलो होते मिल रहा है। कोई बड़ा मूवमेंट नहीं, कोई बुलिश साइन नहीं और कोई बियरिश साइन नहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम फॉलिंग वेज देखें तो उस लेवल तक मार्केट को आ रहा है $200 तक, बट जैसा नीस मार्केट में रूम्स हो रहा है उससे ये पता चल रहा है कि मार्केट 2000 से भी नीचे आ सकता है। तो मुझे नहीं पता क्या एक्जैक्टली होने वाला है, पर्सनली राय दूँ तो मैं बिटकॉइन को होल्ड कर रहा हूँ, सेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी से बाद ये सेल करने का टाइम नहीं है। काफ़ी अगर सेल करना था तो पहले ही 10,000 अबव के सेल करना चाहिए था, बट अभी तो मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि क्लियर कन्फर्मेशन नहीं है मार्केट कौन सा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पर इथेरियम की, ठीक है, इथेरियम को मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर इसने ट्रेंड अपना चेंज कर दिया, ठीक है। लोअर लो से मार्केट यहाँ पर हायर लो बना रहा है, पर करंटली मार्केट पिछले हाई यानी 0.041 के अबव जाना चाहिए, तो हमारा जो टारगेट रहेगा 0.056 तक मार्केट इजिली हिट हो सकता है। वीकली चार्ट के अंदर आपको मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, बट अगर मार्केट वापस नीचे भी गिर सकते हैं 0.0255 के ऊपर, जो कि आप वहाँ पर भी परचेस कर सकते हो, बट अगर मार्केट सेकंड टाइम डाउन गिरता है तो ऑब्वियसली बात है मैं और परचेस करने का सोचूं, क्योंकि मैंने जो डाउन में परचेस किया था उसको अप में जाकर सेल कर, क्योंकि मार्केट वहाँ से रिवर्सल शो हो रहा था, मार्केट क्रैश हो रहा था इस वजह से। बट अभी करंटली देखा जाए तो मार्केट का भी सही मूवमेंट नहीं है बाय करने का। अगर मैं बाय करना चाहूँगा फिर से इथेरियम को, 0.041 अगर ब्रेकआउट कर देता है फुली बुलिश वॉल्यूम के साथ, तो ही मैं इसको बाय करूंगा, अगला टारगेट पर सेल करने की पूरी पूरी मैं कोशिश करूंगा। तो गाइस ये टेक्निकल एनालिसिस था गोल्ड बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस था क्रिप्टो और अल्टकॉइन और बिटकॉइन और इथेरियम का। उम्मीद आपको वीडियो से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स आपके लोपल आप सजेशन दे सकते हो। अगर आप कोई पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक चीज आप याद रखो, मैं 1-to-1 स्काइप पर सिखाने वाला हूँ, कोई वीडियो शेयर नहीं करूँगा। 1-to-1 में आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हो, आपको जो भी डिस्कशन है मुझे कर सकते हो, तो आप मुझे उसके लिए पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।